अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सो फ्रेंड्स, ये लुक क्रिएट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम सिंपल सा मेकअप करते हैं। तो सबसे पहले मैंने तो एलोवेरा जेल लगाया था, इस वीडियो में नहीं दिखा पाई। फिर उसके बाद से मैं यहाँ पर सनस्क्रीन लगा रही हूँ। सनस्क्रीन बहुत अच्छे से लगाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा हीट है बाहर, सो सनस्क्रीन मस्ट है। और ये जो सनस्क्रीन टैल्क का है बहुत ही अच्छा है, कोई भी वाइट कास्ट नहीं रहने देता आपके फेस पे। सो मैं इसको कह सकती हूँ कि आप यूज़ कर सकते हो, बिलीव कर सकते हो एक अच्छा सनस्क्रीन है। उसके बाद से फिर मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है, और यहाँ पर जो मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ डव का मॉइस्चराइज़र है। ये बहुत ही क्रीमी है फ्रेंड्स, बिलीव नहीं करोगे, इतना क्रीमी है कि बस मन करता है कि बस लगाऊं और फेस पर, और उसे अच्छे से अपने फिंगर से हैंड से ब्लेंड कर दीजिए अपने पूरे फेस पे। और इतना अच्छा लगता है जब इसे ब्लेंड करके, बहुत ज़्यादा क्रीमी और बहुत ज़्यादा स्मूथ है। अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए मेकअप से पहले, क्योंकि जो मॉइस्चराइज़र होता है हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है बहुत ज़्यादा अच्छे से, ताकि मेकअप का एक बेस भी अच्छे से बनता है। सो हमेशा मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं मेकअप से पहले। सो अब करते हैं मेकअप। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फाउंडेशन लिया है, मार्स का फाउंडेशन है। इसमें बहुत ज़रा सा अमाउंट लेने के बाद भी आप डैब डैब करके अपनी उंगलियों से फेस पे पहले फिंगर से लगाएं, एकदम से बहुत सारा ना लगाएं, बिल्कुल पुट्टी सा लगता है आपका फेस पे कि हम बस आपने बस बहुत सारा पुट्टी मार लिया फेस पे, जैसे हम दीवार पे पुट्टी करते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हल्का हल्का लगा के फिर उसके बाद से अपने फिंगर से ही हैंड से ब्लेंड कीजिए, और अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, मॉइस्चराइज़र रहता है उस पर तो आप ईजिली ब्लेंड हो जाता है। देखिए अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है, अब ये मैंने पूरे हैंड से ब्लेंड किया। उसके बाद मैं आईब्रो को सेट करूँगी। यहाँ पर मैंने पेंसिल लिया, ब्लैक और ब्राउन दोनों है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ब्राउन से ही किया है, क्योंकि ब्राउन ज़्यादा बेटर लगता है मुझे। आप चाहें तो ब्लैक से, जो भी आपको कंफर्टेबल है उस कलर से आप करें अच्छे से। मैंने यहाँ पर आईब्रो नहीं बना रखी हूँ बहुत दिनों से, इसलिए मैं यहाँ पर आईब्रो को सेट कर रही हूँ। फिर डिफाइन करना बहुत ज़रूरी था आईब्रो को, चाहे कोई भी मेकअप करे। उसके बाद मैंने जेड एमाइजर से, यहाँ से जो कॉम्पैक्ट पाउडर, उससे मैंने सेट करी अपने पूरे मेकअप को। और ये अमेजिंग कॉम्पैक्ट पाउडर है, क्योंकि ये हलाल है और फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है आपके फेस पे। सिर्फ उसके बाद से मैंने जेन एंड माइजा का ही यहाँ पर ब्लश यूज़ कर रही हूँ, देखिए मैंने फिंगर से किया, और बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। मुझे बहुत ज़्यादा डार्क डार्क ब्लश नहीं लगाना था, बहुत ज़्यादा बस लाइटली लगाना, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना फिंगर से ही मैं ब्लश यहाँ पर यूज़ कर लूँ, थोड़ा सा नोज़ पे और चेक बोन पर यूज़ करके। उसके बाद से मैं सेम पैलेट से यहाँ पर हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ, जेड एंड माइजा का ये, और इसको ब्रश को लेकर सर्कुलर मोशन में अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, ज़रा से लगाने पे फेस पे बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। फिर मैं यहाँ पर मेकअप रिवोल्यूशन का आई पैलेट यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर ये मैंने रोज़ कलर में यूज़ किया है, ये शिमरी आई कलर है ये। सिंपल्स अपने उंगली के फिंगर से लगाकर इसे दोनों आईज़ पे लगा के, और उसके बाद मैंने मस्कारा यहाँ पर यूज़ किया है, मेबेलिन का अच्छा मस्कारा है, सिंपल सा, बहुत सोबर सा इफेक्ट। लुक देखिए बहुत सिंपल सा, मैंने बहुत भर भर के मेकअप नहीं लगाया है, ना ही फाउंडेशन भर के लगा, ना कोई और भी चीज़। सो सिंपल मेकअप ज़्यादा प्यारा लगता है। फिर मैंने यहाँ पर जस्ट हब का जो मेकअप स्प्रे है उसे दूर से स्प्रे करने के बाद, यहाँ पर मैं लव्स का लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ बहुत ज़रा सा। और ये है फाइनल लुक, होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर।